पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज ऑलराउंडर और सीनियर तरीन बल्लेबाज मोहम्मद हफीज की जानिब से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद हफीज ने क्रिकेट से रिटायरमेंट के हवाले से अपना प्लान बता दिया। मोहम्मद हफीज बांग्लादेश के खिलाफ T20 स्क्वाड में भी कौमी टीम का हिस्सा हैं। तफसीलात के मुताबिक प्रोफेसर की जानिब से आपसे कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, जिसमें सहाफ़ी की जानिब से रिटायरमेंट के सवाल पर मोहम्मद हफीज का कहना था कि सबसे पहले मैं अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर करना चाहता हूं और क्रिकेट से रिटायरमेंट के हवाले से भी मैंने प्लान बना लिया है। ताहम मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने से पहले ICC T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, जिसके बाद हो सकता है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दूँ। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद हफीज PSL 5 में भी लाहौर कलंदर्स की टीम का हिस्सा हैं। और आपके ख्याल में क्या मोहम्मद हफीज को क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी चाहिए या नहीं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और अगर अपडेट्स अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर कर लें। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि क्रिकेट की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।